विद्यार्थी मित्रांनो, शांती गीत या कवितेचा आपण पुढचा अभ्यास करूया. कवितेचं वाचन करतो मी, पहा आपण पुस्तकात. पुढे गेले सारे सोबती, मागे राहिलो आम्ही मंदगती. आता उड्डाण करू यान गती, क्षणात अवकाशात रे. क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे. जग सारे सुंदर तिथे पाऊ चला चला रे. विज्ञानाच्या दुरुस्तीने, अध्यात्म्याच्या शक्तीने, दाई दिशा दुमदुमू शांतीची गीती रे. क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे. जग सारे सुंदर पाऊ चला चला रे. प्यारे बच्चों, कवि हर्षम पटेल कहते हैं कि हमारे सारे मित्र दोस्त ये सब आगे चले गए. इन्होंने अपना अपना विकास, अपनी प्रगति, अपनी तरक्की कर लिए. ये सब कामयाब हो गए हैं. अब हमें भी अपने आप को कामयाब बनाना है. उसके लिए हम पीछे नहीं होंगे. अब हमें उनके साथ बहुत तेजी से, रॉकेट की स्पीड से, हवाई जहाज की रफ्तार से उड़ान भरना है. उसे उड़ान भरना होगी हमें, और हमें सक्सेस की ओर बढ़ना होगा. और कहाँ जाएंगे हम? तो हम अवकाश में जाएंगे. अवकाश, अवकाश यानी स्पेस में जाएंगे हम, अंतरिक्ष में. कुछ लम्हों में हमें आगे बढ़ना है. और कभी हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, और कभी कहते हैं कि ये सारी दुनिया बहुत खूबसूरत है. इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए हमें उड़ान भरना है. ये हमें किसकी मदद से देखेंगे हम? तो हम ये मदद लेना है हमें विज्ञान की, साइंस की मदद से. हम अपने अंदर की जो रूहानियत है, अध्यात्म दृष्टि, अपनी जो नजर है साइंस की नजर से, हमें दाई दिशा दसों सिमत के अंदर शांति के गीत, अमन का नगमा यानी द सॉन्ग ऑफ पीस, ये हमें फैलाना है. और विज्ञान, इसका अर्थ होता है शास्त्र, साइंस, दृष्टि यानी नजर, और अध्यात्म यानी रूहानियत, शांति यानी अमन, शांतता.